हेल्दी लिविंग सभी में हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी ईटिंग का सही संतुलन बनाने के बारे में है। हेल्दी और फिट रहने के लिए हम अक्सर बहुत सारे डाइट, एक्सरसाइज और क्विक हैक्स का पालन करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जो आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम लेवल को बूस्ट करने में मदद करेगा। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Why is magnesium so important? ये मिनरल शरीर के विभिन्न फंक्शंस में मदद करता है। मैग्नीशियम का एक मेजर फंक्शन यही है कि ये शरीर के टिश्यूज और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आगे चलकर मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। मैग्नीशियम एंजाइम्स के लिए कैटलिस्ट का काम करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये DNA को बनाने में भी मदद करता है। फूड्स दैट इंक्रीज मैग्नीशियम। डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट खुशी की एक परफेक्ट डोज है। कोकोआ के साथ बनाया गया ये मैग्नीशियम का एक बड़ा सोर्स है। डार्क चॉकलेट की एक पत्ते में लगभग 70 ग्राम मैग्नीशियम होता है, जो शरीर के डेली डोज मैग्नीशियम के लगभग 20% से पूरा कर सकता है। ये आगे सेरोटोनिन जारी करता है और नर्व्स को आराम देने और नींद को पूरी करने में भी मदद करता है। पम्पकिन एंड स्क्वॉश सीड्स। मैग्नीशियम का एक और रिच सोर्स कड़ू का बीज है। ये न केवल मैग्नीशियम का एक मेजर सोर्स है बल्कि आयरन में भी रिच है। आलमंड्स। आलमंड यानी कि बादाम में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट होता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये मैग्नीशियम का एक बड़ा सोर्स है। ये विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर की पर्याप्त मात्रा प्रदान करने के साथ मैग्नीशियम शरीर के डेली यूज के लिए भी बना है। इसके अलावा ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बीन्स एंड लेंटिल्स। दाल और बीन्स मैग्नीशियम का एक बड़ा सोर्स है और इन्हें अपने डेली डाइट में शामिल करना एक अच्छा विचार है। और इसके अलावा ये फोलेट, आयरन और हेल्दी फाइबर में भी रिच है। और अगर आप ये सारे फूड्स को अपने रोजाना की लाइफ में अपनाएंगे तो आप भी फिट और हेल्दी महसूस करेंगे। और अगर आपके पास इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।